ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਸਾਇਣਿਕ ਬਲਗ ਲਿਖੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਇਸਕਾ ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਕਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਊਮੇਰੀਕਲ देखिए एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसमें तीन टाइप का क्वेश्चन है। एक है पाठ निहित, यानी पाठ मतलब जो अभ्यास है, जो चैप्टर है निहित में उसके भीतर। दूसरा है उदाहरण और तीसरा है अभ्यास एक्सरसाइज। तो जिस तरह से पढ़ाते जा रहे हैं पहले हम लोग पाठ नीत वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक थ्योरी का ये चौथा चैप्टर है, पाठ नीत का 4.1 ये क्वेश्चन है कि आर से बना पी रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट और कहता है कि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m एम बनी एम का मतलब क्या होता है मोलर था से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। प्रश्न है न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा खासियत होता है न्यूमेरिकल बनेगा किसे भाई, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी का भी न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले प्रश्न में देखना है कि क्या निकालना है, उसके बाद देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और जो निकालना है और जो दिया हुआ है उस दोनों में क्या संबंध है। अगर इस व्यवस्था को आप कर सकते हैं तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाए। जैसे मान लीजिए हमको पहले देखना है क्या निकालना है, तो निकालना है औसत वेग। भाई हमको निकालना है औसत वेग, जब हम लोग बनाना शुरू किए तो पहले देखिए कि औसत वेग निकालना है, औसत वेग को सूचित करते हैं आर एवरेज से, नहीं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। औसत वेग किसको कहते हैं, तो पूरे समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं औसत वेग। लेकिन निश्चित समयांतराल में जो सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते थे तात्क्षणिक वेग, तात्कालिक वेग। वहां पर एवी के जगह पर आई एनएस करता था, अंदर क्या था वहां डेल्टा का उपयोग होता और यहाँ इसका निकालना है तो डेल्टा सॉरी वहां जी का लगेगा डेल्टा। रिएक्शन क्या करता है, देखिए क्या निकालना है पहले लिख दिया, तब क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि आर से बनता है पी, यही नहर भाई। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है,
भाई औसत वेग निकालना है तो ये होगा बराबर माइनस डेल्टा आर बार डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बार डेल्टा टी। ये फॉर्मूला एवरेज का पता है कि नहीं? हाँ हाँ भाई, अब कंडीशन देखना है क्वेश्चन में कि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता इतना से 25 मिनट में बदल कर इतना हो जाता है। इसका मतलब है पहला समय T1 बराबर 0 मिनट था, जब 0 मिनट था तब इसका सांद्रण कितना था भाई? 0.03 m था ना, लेकिन टाइम कितना हो गया? 25 मिनट। जैसे 25 मिनट टाइम हुआ कि घट गया तो कितना हो गया? 0.03। पहले इतना, अब बात अब बताइए, इसका मतलब है कि पहले इतना का मतलब है कि R1 दिया हुआ इतना, R1 ये वाला, क्योंकि तो सांद्रण तो हमेशा बड़ी ब्रैकेट में होता है और मिनट होता है जिसमें लिखे हैं, तो ये क्या हो गया R2 इतना। अच्छा भाई सर, हमको तो निकालना है R F। अब P का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला में आप R का भी मान से लिए हैं और P के भी मान से लिए हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से ना बनाएंगे। यानी P का तो मान दिया हुआ नहीं, तो P से बनेगा नहीं बनेगा, तो P का काम ही खत्म हो गया। बोले भाई जो दिया हुआ है उसी से काम चल रहा है, यानी P का कोई महत्व नहीं होगा। यानी R एवरेज बराबर क्या हो गया? माइनस डेल्टा आर का डेल्टा। अगर डेल्टा आर का मान निकल जाए और डेल्टा टी का मान निकल जाए और बिठा के भागा देना आता है, हाँ हम डेल्टा आर का मान निकालेंगे। डेल्टा आर बराबर, डेल्टा में क्या होता है? परिवर्तन। याद कीजिए फिजिक्स में पढ़ते होंगे डेल्टा वी बराबर वी टू माइनस वी वन, पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ। तो यहाँ डेल्टा आर बराबर क्या होगा? आर टू माइनस आर वन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आर टू का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0.02 m। m मतलब मोल पर लीटर, कि बड़ी m का मतलब हुआ मोल पर लीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वही रहने दीजिए। माइनस आर वन का मान है 0.02 m। हमको लगता है आप लोगों को घटा आता है कि नहीं? ये तो घटा नहीं रहा है। माइनस माइनस वाला बड़ा है ना, माइनस किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? तो इतना हो गया, यूनिट एम है, एम हो जाएगा। डेल्टा आर का मान निकल गया, वैल्यू ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस 0.01 m। अब हमको डेल्टा टी निकाल लेना है, तो डेल्टा टी का मान क्या है? टी टू माइनस टी वन, तो टी टू का मान 25 मिनट और माइनस 0 मिनट बचता है 25 मिनट। यानी डेल्टा टी का मान बबुआ क्या निकाल पाते हैं आप? 25 मिनट। अगर आपका मन हो सर हमको टिकट करता है सेकेंड में भी बताओ और मिनट में भी, तो मिनट दिया हुआ है, अगर सेकेंड निकालना हो तो 60 से गुणा करते हैं, और अगर घंटा निकालना हो तो 25 को 60 से भागा दे देंगे, ये घंटा हो जाएगा। निकालना हो तो ऐसे दिया नहीं, घंटा में नहीं दिया, बस क्योंकि हम टाइम को तीनों में बदल के रख सकते हैं कि नहीं? मिनट में है उसको घंटा में बदलना है तो 60 से भागा दे, सेकेंड में बदलना है 60 से भागा दे, ये एस मैंने सेकेंड है, ऐसा नहीं छोटो पांच समझ लीजिएगा। अब देखिए डेल्टा आर एवरेज आपको निकालना है बाबू, तो माइनस डेल्टा आर, डेल्टा आर का मान कितना दिया है? माइनस पहले से है, डेल्टा आर का मान है माइनस 0.01 m बार डेल्टा टी का मान 25 मिनट,
माइनस माइनस प्लस प्लस 0.01। अब m की जगह पर आप चाहें तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं। अरे 25 मिनट हो गया ना भाई, r एवरेज निकालना है तो क्या हो गया, वही को हम हटा देंगे, जिससे पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। और ये मोल लीटर को ऊपर लीटर इनवर्स, मिनट को ऊपर भी मिनट इनवर्स आसानी से होता है कि नहीं। अब हमको लगता है कि भाई शब्द को आता ही नहीं, यानी इजी वे आर एवरेज इज इक्वल टू 1/25 × 100 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और डिवाइड कीजिए, क्योंकि आंसर जब भी लिखना है केमिस्ट्री या फिजिक्स का तो वैज्ञानिक संकेतन में भाई हम 25 से एक में भागा देते हैं, कोई जल्दीबाजी करने का जरूरत नहीं। तो सर पॉइंट रखना होगा जीरो, फिर जीरो रखना होगा तो फिर जीरो, और चार बार में सर, और डिवाइड होने के बाद आर एवरेज का मान आ गया 0.04 और ये बाय 100 पॉइंट को फिर हटा दें तो क्या आएगा 200 और सर आ गया 4/10⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और वैज्ञानिक नोटेशन में लिखेंगे आ गया 4 × इसको ऊपर ले जाएंगे इतना मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, तो ये हुआ आंसर। ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आ गया और सबसे सही यही तरीका है, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन का मतलब ही है, एक तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या कहते हैं, बड़ी एन गुना 10⁵ छोटी एन के रूप से रूप में लिखते हैं, या बड़ी एन का मान क्या होता है 1.0 से चालू होता है, इसका जो वैल्यू है 1.0 से 9.9 होता है ना, वही बात है, उसी कंडीशन में दे दिए और आंसर हो गया। अगर आपका मन हो सर हम इसको सेकेंड में निकालेंगे तो यहाँ पर डेल्टा टी का मान जो आप 25 मिनट रखे हैं वहाँ पर क्या रखना होगा 25 × 60 सेकेंड, फिर भागा दे सकते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम में दिक्कत होगा, आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि नहीं। तो प्रतिदिन हम 1 से 2 न्यूमेरिकल, 1 से 2 पैटर्न हम चैप्टर का बनाते जाएंगे, आप आराम से यूट्यूब खोल के उसको देख लीजिए, जब भी आपको प्रॉब्लम लगे तो फिर उसको सर्च कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार आते रहेगा और क्लियर हो जाएगा। हम प्रत्येक दिन और एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल हम यूट्यूब पर हम डालते जाते हैं, जिससे कि आपको फायदा हो जाए और एग्जाम के लिए बहुत दूर भाग करने का जरूरत नहीं हो, क्योंकि भाई अगर सबसे बड़ा गुरु है वो है पुस्तक, और सबसे बड़ा आपके पास अगर हथियार है सफलता का वो है सेल्फ स्टडी। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र है बच्चों का अपना मेहनत, और अपना मेहनत के लिए अगर हम कोचिंग ट्यूशन क्लासेस में हमेशा भागते रहें, हम लोग शिक्षक भी आपको हमेशा बुलाते रहें, तो उससे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएगा और आप बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाएगा। रिजल्ट के लिए पढ़ने के साथ साथ तकनीक से पढ़ाई होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज यूट्यूब में एक तरह का क्वेश्चन बता दिए कि भाई आर से पी दिया हो और किसी एक का सांद्रण में मात्रा दिया हो तो हम उसका औसत भी कैसे निकालें। अब कल अगला क्वेश्चन होगा, जैसे कि रासायनिक उपद्रव से ही